हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों। हमारा पॉलिटिकल का 5th चैप्टर चल रहा है। तो बेटा, मैंने कल इसका हाफ पार्ट आपको डिस्कस करा दिया था, आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, कल हम इसके अंदर ग्राम सभा के बारे में डिस्कस कर चुके थे, आज बच्चों हम इसके अंदर ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, ग्राम पंचायत में देखिए, नेक्स्ट हेडिंग इज ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में देखो बच्चों, ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। अब देखिए बच्चों, जो ग्राम पंचायत होता है उसका क्या कार्य होता है? ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य होता है कि उसके एरिए के अंदर जितने भी गांव आ रहे हैं, हर गांव के अंदर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्क कराना है तो वो सारा कार्य कौन करवाता है? ग्राम पंचायत करवाता है। As you have seen, जैसा आपने देखा, the work of the ग्राम पंचायत has to be approved by the ग्राम सभा। कि आपने देखा कि जो ग्राम सभा क्या करवाती है, ग्राम पंचायत के कार्य को क्या करती है, उसे अप्रूव करवाती है, अप्रूवल करवाती है, और तभी जो पंचायत वो अपना कार्य कर पाती है। In some states, कुछ states में देखिए बच्चों क्या होता है, ग्राम सभाज फॉर्म कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज। कुछ एरियाज के अंदर, कुछ राज्यों के अंदर, कुछ स्टेट्स के अंदर जो ग्राम सभाएं होती हैं वो क्या है, ग्राम समितियां बनाती हैं, कमेटीज बनाती हैं। दीज कमेटीज इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत। और इन कमेटी के अंदर कुछ मेंबर ग्राम सभा के होते हैं, कुछ मेंबर ग्राम पंचायत के होते हैं, एंड वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। और वो किसी इम्पोर्टेंट कार्य के ऊपर दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो ग्राम पंचायत है उसके कार्य क्या क्या होते हैं, वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। फर्स्ट वन इज द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, स्कूल, बिल्डिंग एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कि रोड बनवाना, वाटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है गांव के अंदर, ड्रेनेज यानी कि पानी की निकासी का कार्य करना, स्कूल की बिल्डिंग बनवाना, ये सारे कार्य किसके अंदर होते हैं, ग्राम पंचायत के। सेकंड, लेइंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। और इसके अलावा जो लोकल एरिया होता है उसका जो कर होता है, टैक्स होता है, उसे कलेक्ट करना। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटिंग टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। और गांव के लोगों को एम्प्लॉय देने के से रिलेटेड, मतलब रोजगार, जॉब देने से रिलेटेड कोई भी सरकारी गवर्नमेंट कोई योजना चलाई गई है तो उसको भी कौन देखता है, ग्राम पंचायत देखती है। सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब देखिए जो बच्चों, ग्राम पंचायत को जो पैसा मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है देखिए बेटा, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एटसेट्रा। देखिए बच्चों, उनको कहाँ से पैसा मिलता है, कि जो भी टैक्स जो इकट्ठा किया जाता है, जो कर इकट्ठा किया जाता है, जैसे हाउस टैक्स है, मार्केट प्लेस का टैक्स है, उससे इन्हें क्या होती है, इन्हें सैलरी मिलती है, इनके इन्हें पैसा मिलता है। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। और इसके अलावा अलग अलग प्रकार के जो सरकारी विभाग होते हैं उनके द्वारा जो, मतलब गवर्नमेंट जो अलग अलग जो स्कीम्स चलाई जाती हैं उसके अंदर जो भी पैसा आता है वो भी उसके द्वारा भी क्या है, इनकी आमदनी होती है, मतलब इनकी सैलरी इन्हें मिलती है। डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स। और गांव के अंदर अगर कोई भी ग्रुप के अंदर कोई कार्य करवाया जा रहा है तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट की साइड से जो भी पैसा आता है तो उन सब से भी क्या होता है, ग्राम पंचायत की क्या होती है, इनकम होती है। तो ये थे बेटा सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। ओके, आगे देखिए बेटा, लेट अस सी विद द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या एक हरदास जो गांव है उसके अंदर किस बात को, इसके अंदर मेन मुद्दा बताया गया है। तो डू यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है, द ऑप्शन दैट वर सजेस्टेड टू सोल्व द वाटर प्रॉब्लम इन ग्राम सभा हरदास विलेज। कि हरदास के गांव के अंदर क्या था बेटा, पानी से रिलेटेड समस्या थी। व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड ए मीटिंग, जब हरदास के
की ग्राम पंचायत एक मीटिंग कराई। दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर्स। तो इस समस्या को फिर से उठाया गया। दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी। और इस मीटिंग के अंदर सरपंच थे, वार्ड मेंबर थे और सेक्रेटरी थे। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डीपन टू हैंड पंप्स एंड क्लीन वन वेल। और उसके अंदर देखिए क्या सजेशन दिए गए कि दो हैंड पंप गहराई तक, दो हैंड पंप लगवाए जाएंगे और क्लीन वन वेल, उन्हें अच्छे से क्या किया जाएगा बेटा, साफ करवाया जाएगा। सो दैट ताकि द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, ताकि गांव के अंदर कोई ऐसा एरिया ना रहे जहां पानी ना हो। द सरपंच सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैज रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंड पंप्स। अब जो पंचायत होती है, जो सरपंच होता है, वो क्या कहती है पंचायत को कि अब हमें गवर्नमेंट से जो पैसा मिलेगा किसके लिए, हैंड पंप की मेंटेनेंस के लिए। दिस कुड बी यूज फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क। तो इसके द्वारा क्या है, हम इस कार्य को कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। द मेंबर्स एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। और जो मेंबर थे वो सभी तैयार हो गए और जो सेक्रेटरी था उसने इनकी बातों को क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। द मेंबर देन वेंट ऑन द डिस्कस द ऑप्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। और इसके बाद क्या होता है कि सभी सदस्य थे, उन्होंने क्या है, सभी ने आपस में डिस्कस करके उसके ऊपर क्या कर लिया, सोल्यूशन निकाल लिया। दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर वुड आस्क ऑप्शन एट द नेक्स्ट मीटिंग। अब वो क्या कहते हैं कि कुछ लोगों को क्या है उसके अंदर कुछ शंका हो रही थी, डाउट हो रहा था कि क्या डाउट था बेटा, देखिए सम पंच आस वेदर द वाटर शेड प्रोग्राम वुड मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल, कि जो वाटर का लेवल क्या है बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया है। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलो, तो इसको पर क्या है बहुत गहराई से डिस्कशन किया गया। इन द एंड अंत में इट वॉज डिसाइडेड, क्या डिसाइड हुआ, दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। अब वो क्या कहते हैं कि अब हमें क्या है किससे मिलना होगा, BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलकर हमें क्या है इसके ऊपर अच्छे से एक योजना तैयार करनी होगी। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए, आपने देखा कि किस प्रकार से गांव के अंदर अगर कोई भी समस्या होती है तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला जाता है। आगे देखिए बेटा, बेटा नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी थ्री लेवल्स ऑफ पंचायत। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट हेडिंग क्या है, थ्री लेवल्स ऑफ पंचायत। अब देखिए जो पंचायत है उसके तीन लेवल होते हैं, तो कौन कौन से लेवल हैं। After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, हमने क्या है बेटा हरदास के गांव के अंदर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। You can understand that the panchayati raj system is a process through which people participate in their own government. तो अब हमें क्या पता चलता है कि जो पंचायती राज है क्या है, वो एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसके अंदर जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करके वो अपनी खुद की सरकार चूज कर सकते हैं। इन रूरल एरियाज गांव में द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टीयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। गांव के अंदर क्या होता है बेटा कि गांव के अंदर जो ये ग्राम पंचायती राज व्यवस्था क्या है इसकी, सबसे गांव के अंदर ये इन रूरल एरियाज ग्राम पंचायत क्या होती है, फर्स्ट टीयर होती है, फर्स्ट लेवल होता है। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा, और पंच और ग्राम सभा क्या होती है, इन्हें इनका जवाब देना होता है। बिकॉज इट इज द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम, क्योंकि यह इनके मेंबर होते हैं जिन्हें क्या है इलेक्ट किया जाता है, जिन्हें चूज किया जाता है। तो जो इसकी फर्स्ट लेवल है बेटा, फर्स्ट ईयर किसका क्या हो गया गाँव के अंदर, ग्राम सभा। आगे देखिए बेटा, दिस आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड इनटू टू लेवल्स। इस प्रकार से पंचायती राज सिस्टम के दो लेवल होते हैं, कौन कौन से, देखिए बच्चों, वन इज द ब्लॉक लेवल, फर्स्ट कौन सा होता है बेटा ब्लॉक लेवल, विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत, जिसे क्या कहा जाता है जनपद पंचायत और पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत, और पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत मतलब गांव की पंचायत आती है। अबोव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला पंचायत,
और इन्हीं के अंदर, इन पंचायत समिति से ऊपर क्या होती है बेटा, अबो, मतलब इनसे ऊपर कौन होती है पंचायत समिति, इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला पंचायत, इसे डिस्ट्रिक्ट या जिला परिषद भी कहा जाता है। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और जो जिला परिषद होती है वो क्या करती है बेटा कि एक जिले के अंदर या एक के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। किसकी हेल्प से? पंचायत समिति की हेल्प से। एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। और ये क्या है, जिला परिषद के अंदर जितनी भी पंचायत आती है सभी को क्या करती है, ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, मनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत। इस प्रकार से संविधान के अंदर दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाए हैं। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेज। और इसीलिए क्या कहा गया है कि मेन इसके अंदर क्या बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर क्या करें, पार्टिसिपेट करें और अपने अगर उन्हें क्या है मौका मिलता है तो क्या है वो अपनी, उन्हें कोई चीज़ गलत लगती है तो वो अपनी बात को सबके सामने रख सकते हैं और ताकि वो उनकी बात को सुना जाए और अगर कुछ समस्या है गांव के अंदर तो उस समस्या को दूर किया जा सके। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कम्प्लीट होता है बेटा। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताओगे ताकि मैं आपकी डाउट्स को दूर कर सकूं और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ओके बेटा, वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।